मुझे इस बात का अफसोस है कि ये मूवी देखने के लिए यार मुझे टाइम नहीं मिला, जबकि मैं बहुत ज्यादा घटिया घटिया मूवी देख रहा था, जैसे द गर्ल ऑन द ट्रेन मूवी जो मैंने देखी, 2 घंटे जैसी लंबी मूवी थी, इतनी बकवास, इतनी वाहियात, सर में दर्द करने वाली वो मूवी थी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा दृश्यम 2 मूवी के बारे में, जिसे अमेजोन पर रिलीज किया गया है। ये दृश्यम 2013 के अंदर आई मूवी उसी का सीक्वल है। आप लोग इसको बॉलीवुड में जो मूवी आई थी दृश्यम 2015 में, जिसमें अजय देवगन सर थे, वो वाली मूवी देखी थी। मतलब वो रीमेक थी 2015 वाली, जो बॉलीवुड वाली थी, ऑब्वियसली वो रीमेक ही बनाएंगे, उनके पास ओरिजिनल खुद तो होता नहीं है। बात करते हैं दृश्यम मूवी के बारे में। देखो दृश्यम जो मूवी थी, मैंने तो इसका सोचा भी नहीं था कि इसका सीक्वल भी बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये खत्म हुई थी, जिस पे इसका एंड हुआ था, एकदम मतलब कहीं पर भी कुछ लग नहीं रहा था कि यार हाँ इसका सीक्वल बनेगा। और केवल सीक्वल नहीं, एकदम परफेक्ट ब्रिलियंट काम किया है इन्होंने। अगर फर्स्ट मूवी के बारे में बात करूं, जहां पर दृश्यम 2013 में जो जोटे अपनी फैमिली को बचाने के लिए कैसे उस लड़के को दफना के आता है, हमें पता होता है कि उसने कहां दफनाया हुआ होता है, और अपनी फैमिली को बचाने की बहुत कोशिश करता है, और एंड भी हमें दिखाया जाता है कि हाँ उसने लगभग अपनी फैमिली को बचा लिया, हमें ऐसा दिखाया जाता है। और इसके बाद इसका सीक्वल जो तैयार किया है इन्होंने, वहीं से शुरू किया कि 6 साल बीत चुके हैं, अब जो वो परिवार है, जो जोटे, उसकी 2 बेटी, उसकी पत्नी, वो कैसे अब अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में अफवाह फैल रही है, और पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, मतलब जो लड़का जिसने जिसका कत्ल हुआ था उसकी बॉडी ढूंढी जा रही है। बस दिमाग में यही चल रहा था कि यार अब आगे क्या होने वाला, अब आगे क्या होने वाला है, कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या क्या कहानी होने वाली है। मतलब इतना सस्पेंस इन्होंने क्रिएट कर रखा था, लगभग ये 2.5 घंटे लंबी मूवी है। अब तो देखो शुरुआत में आप लोगों को कुछ भी इतना अनयूजुअल नहीं मिलेगा, बिल्कुल यूजुअली जो एक परिवार है आपस में रह रहे हैं, माँ बेटी की आपस में जो कहासुनी होती है, और पति पत्नी के बीच में जो लड़ाइयां होती हैं छोटी मोटी, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। लूडो खेल रहे हैं, बैठकर अपना वो थिएटर चला रहा है, बस बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें देखने को मिलेगी, और आपको ऐसा फील होगा यार इसमें तो कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। बट जब ये मूवी अपने असली रूप में आती है, तब आप लोगों को पता चलेगा, जिसमें आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा था, एक्चुअल में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसे समझाऊं। देखो समझा तो मैं सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को 1% भी आपको स्पॉइलर मिले, क्योंकि यार इतनी जबरदस्त, इतना ब्रिलियंट वर्क किया है, तो कहीं पर भी मैं आप लोगों का कोई भी इंटरेस्ट खराब नहीं करना चाहता। एक सीन जो मैं सच में दिल से चाहता हूं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, कोशिश करूंगा कि बिना स्पॉइलर के वो सीन आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच पाए। आपका होता है ना कि इंसान बस एक ही लिमिट तक सोच पाता है, उसके लिए उसको सोर्स की जरूरत होती है, तो वहां पर वो इंसान एक ऐसे व्यक्ति को जानता है कि उसके पास वो सोर्स है, उसके पास वो नॉलेज है, लेकिन उस इंसान को यह पता चले बिना कि कोई आप उसका यूज कर रहे हो, उसकी नॉलेज का यूज कर रहे हो अपने पर्सनल फायदे, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो ये सब दिखाना यार कमाल की चीज थी जो इस मूवी में दिखाया गया। जो जोटे जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, वो केवल ऐसे ही नहीं था कि हाँ वो जो कर रहा था बिल्कुल एकदम शांत होके, एक्चुअल में वो अपना काम कर रहा था। और जब आप ये मूवी देखोगे और धीरे धीरे वो स्टोरी, वो सारी कहानी, वो इतना अच्छा आपके सामने सस्पेंस खुलकर आएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार एक्चुअल में ये बंदा कब से काम कर रहा है। इस मूवी की कहानी, इसका डायरेक्शन, इसका स्क्रीन प्ले, इसमें परफॉर्मेंस एकदम चुम्बेश्वर लेवल की है भाई साहब, एक ब्रिलियंट वर्क किसे कहते हैं, ये वो मूवी है। सस्पेंस मूवी किसे कहते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना कि हाँ आप अपने आप को रोक ना पाओ, कि ये जानने के अलावा कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे ये अपने अपनी अपनी फैमिली को बचाएगा, बिल्कुल अब तो बिल्कुल फंस गया है, तो इतनी ज्यादा वो सस्पेंस क्रिएट होना हमारे सामने कि यार हाँ कैसे वो बचाने वाला है। एक्चुअली देखो पता तो सबको ही होता है कि वो बचा लेगा, लेकिन बचाएगा कैसे, ये वाली जो जर्नी है, ये वाला जो सफर है, वो बहुत कमाल का है। मैं तो यही कहूंगा कि अरे जो मूवी है वो ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क है। अब देखो यार हमारे जो बॉलीवुड की बात करूं, जहां पर ये लोग अपनी घटिया मानसिकता, वो बोगस मूवी या बोगस सोच के साथ आते हैं हमारे सामने, उनकी मूवीज में होता क्या है, कॉन्ट्रोवर्सी होती है। अभी हाल फिलहाल में एक जो सीरीज आई थी तांडव, उसमें इतनी घटिया प्रोपोगेंडा उन्होंने फैलाना, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना, अपनी घटिया मानसिकता लोगों को परोसना मतलब। और अगर मैं ये बात करूं साउथ की जो मूवीज होती हैं, इतना जबरदस्त, इनका सिर्फ और सिर्फ
मेन फोकस होता है कि एंटरटेनमेंट लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और ये वाली जो मूवी है दृश्यम 2, इसका पूरा मतलब आप जब देखोगे इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के ऊपर है, किसी भी फालतू प्रोपोगेंडा से ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी मूवी देखने का मतलब दिल करता है कि हाँ यार ये मूवी डिजर्व करती है देखने के लायक, और सच में इनको प्रमोट किया जाना चाहिए पूरे भारत में। अब देखो यार ये मूवी जो है वो अपनी लैंग्वेज में देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो जितनी भी साउथ की मूवीज हैं उनको उनकी रियल उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखो तो काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो डायलॉग होते हैं जो एक्सप्रेशन होते हैं उनकी ही लैंग्वेज में आपको अच्छे लगेंगे और आप उनसे रिलेट कर पाओगे। आप यही बोलोगे यार हमें नहीं आती तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ ऐसी लैंग्वेज नहीं आती, तो कोई बात नहीं यार नीचे सबटाइटल दिए होते हैं उनकी हेल्प से वो मूवीज देखो। अगर इस मूवी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो यार सब कलाकार ने एक एक कलाकार ने अपनी मतलब 100% से भी क्या 200% इसके अंदर झोंका है अपने आप को। वो एक्सप्रेशन वो फील आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी जो आप देखना चाहते हो। एक टेंस इंसान क्या करता है जब उसके सामने लगता है कि यार अब तो उसके कोई रास्ता नहीं बचा, वो सारी चीज एक परिवार की जो एक जो महिला होती है अपने बच्चों को लेकर कैसे वो चिंतित होती है वो सब चीजें इसके अंदर देखती है। एक डर का माहौल डर का एक्सप्रेशन आप लोगों को इस मूवी में अच्छे से देखने को मिलेगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जीतू जोसेफ ने और इन्होंने ही इस मूवी को राइट भी किया। इससे पहले वाली मूवी भी इन्होंने डायरेक्ट और राइट की थी और सच कहूंगा यार क्या ब्रिलियंट वर्क किया है सर ने। ये मूवी देखकर जो खुशी मिलती है जो एहसास होता है कि हाँ मूवी देखी है, एक्चुअल मूवी क्या होती है जब आप ये देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। सर अगर किसी ने भी ये मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर देखो। अगर आपने दृश्यम 2013 वाली जो ओरिजिनल मलयालम मूवी है वो नहीं देखी तो पहले वहां से शुरू करो और फिर इसके बाद ये वाली मूवी देखना, दोनों एक साथ देखना कमाल का। यार मैं तो कहूंगा कि आपको एक मूवी देखने का जो एंटरटेनमेंट की जो प्राप्ति होगी ना वो नेक्स्ट ही लेवल होगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।